भैया बहन, आज हम लोग अष्टम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये संसार सागर से नायका इसका शीर्षक है। इसमें राज घरानों में पहले घर बनाने वाले लोगों को गजधर कहा जाता था, और वे गज का एक माप लेकर के घुमा करते थे, और इनका बड़ा सम्मान था। उन्हीं के बारे में पाठ है, और ये निर्माण कार्य किया करते थे। आज रीडिंग देना है, रीडिंग देखिएगा। ये आसन ते अज्ञात नाम आना, अज्ञात नाम वाले वे लोग कौन थे? सत्सह सहसह तडागा सहसैव शून्यात न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इन्हें वो तड़ागा, ये ही तड़ाग यानी तालाब, अत्र संसार सागर इति, यहाँ संसार सागर ऐसा कहे गए हैं। एतेषां आयोजनस्य नेपथ्ये, इन सब के आयोजन में नेपथ्य में निर्मापयित्रीणाम एककम, निर्माण करने वालों का एक एक, निर्माण कराने वालों का एकक, और निर्मातृणाम च दशक, और निर्माताओं के दस का समूह था, अर्थात बनवाने वाले एक और बनाने वाले दस का एक अनुपात था, एक समूह था। एतत एककम दशकम च आहत्य, यह एकक और दशक यानी दस का समूह मिलाकर, शतकम सहस्रम वा सौ का समूह या हजार का समूह, यानी शतक और सहस्र रचयता समूह रचना करते थे। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु, परंतु पिछले 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या, नई रीति से, नई पद्धति से, समाजेन यत किंचित पठितम, समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन, पढ़े गए उस समाज के द्वारा, एककम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि, एक दस और सहस्र, ये हजार सारे शब्द शून्य एव परिवर्ततानि, ये शून्य में चले गए, परिवर्तित हो गए। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नवीन समाज के मन में, इयमपि जिज्ञासा, यह जिज्ञासा भी, नैव उद्भूता, उद्भूत यानी उत्पन्न नहीं हुई, यदकि अस्मात् पूर्वम, इससे पहले यानी आज से पहले, एतावतः तडागान, इतने तालाबों को, के रचयन्ति स्म, कौन लोग बनाते थे? एतादृशानि कार्याणि, ऐसे महान कार्य, कर्तुं ज्ञानस्य, जो नूतन प्रविधि करने के लिए, ज्ञान की जो नई प्रविधि तकनीकी विकसिता विकसित हुई, तेन प्रविधिनापि, उस तकनीक के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम, पहले संपादित किए गए, एतत् कार्यम मापयितुम, इस कार्य को मापने के लिए, न केनापि प्रयतितम, किसी के भी द्वारा प्रयास नहीं किया गया। मापयितुम का अर्थ यहाँ खोज करना, अनुसंधान करना, नापना इत्यादि, आकलन करना इत्यादि भी हो रहा है। अब आगे के लिए देखिए, का पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे, और शेष जो पाठ रह गया उसकी रीडिंग आप लोग देंगे, और बड़ी श्रद्धा के साथ देंगे, तो आपको अर्थ का बोध होगा। मैं बड़े धीरे धीरे और धैर्य के साथ पढ़ता हूँ, और वैसा ही पढ़ने के लिए आपको भी कहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ समाप्त। पाठ